हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल इट्स मी को। अभी ना सुबह के 8 बजे है और हम लोग ना उठ के एवरीडे सुबह ना 1.5 किलोमीटर वॉक के लिए जाते हैं। बट आज मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ वो आपको मैं बाहर जाके दिखाती हूँ सरप्राइज। आज का ना मनी वॉक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या स्पेशल है। घरों बैक साइड लो मैं बाहर देखो जी ये घर का फ्रंट गेट है। मैं आप लोग को बैक साइड वाला दिखा दूँ पहले, क्योंकि बैक साइड में कोई वॉक नहीं किया है तो पूरा स्लो ऐसे के ऐसे है। फिर बाहर पीछे की तरफ हम गए, ये पूरा बैक साइड है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मस्ती की, यहाँ पे साइकिल है सबका। तो मैं आपको आगे वाले साइड पे लेके जा रही हूँ। ये पीछे के साइड से जा रहे हैं। बाहर के तरफ ना सब कार बाइक लेके ना इसको पूरा खराब कर दिए हैं रोड को। ये स्नो पूरा गंदा हो गया है, तो इसीलिए एक दो बार स्नो अच्छा लगता है। अगर कंटिन्यूसली 1 महीना होगा ना, फिर वो हम जैसे बारिश में कीचड़ कीचड़ वैसे हो जाता है फिर पूरा। ये देख सकते हैं ये रोड, और हम जहाँ पे वॉक के लिए जाते हैं वो साइड में दिखा दूँ। हम नॉर्मली एक्चुअली ये वाले रोड पे जाते हैं। अभी मैं मतलब शॉर्टकट में लेके जाऊंगी, क्योंकि ये एरिया में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं ना, तो स्नो बहुत अच्छे से होगा वहाँ पे। और अभी भी स्नोफॉल हो रही है। हुडी अभी आ जाएगा वो जगह। ये हमारा बिल्डिंग पीछे है और ये मतलब ऐसे वो बिल्डिंग से रास्ता है यहाँ आने का। और ये देखिए क्योंकि ये जगह पे ना ज्यादा लोग नहीं चलते हैं, तो ये पूरा स्नो। चेयर भी पूरा स्नो ही हो गया है। ये तरफ चिल्ड्रन पार्क है, ये पूरा डूब गया है स्नो में। 2017 में मैं उसके अंदर स्नो के साथ बहुत फोटो खींचा था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं रोड के तरफ। यहाँ पे सुपरमार्केट खुल गया है, क्योंकि 8 बजे खुल जाता है। अभी 9:30 हो गया है, तो लोग सब सामान खरीदने आ गए हैं। और ये गाड़ी स्नो को क्लीन कर रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ी जो रोड पे गया वो साइकिल का है, तो इसीलिए सुबह सुबह स्नो को साफ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी ये रोड क्रॉस करेंगे ना, और एक ऐसे खाली स्पेस आएगा जहाँ पे बहुत सारे बर्फ मिलेंगे। ये आ गया वो खाली स्पेस, यहाँ पे पूरा स्नो स्नो है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग चलते नहीं हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है, तो ये पूरा स्नो है। यहाँ पे 5-10 मिनट ऐसे बर्फ फेंका फेंकी चला, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। वीडियो से आपको पता नहीं चल रहा है, -7 टेम्परेचर है। हाथ बहुत दर्द होने लग गया था और वो आवाज़ भी चेंज हो गई थी।
तो इसलिए मैंने सोचा कि घर पे जाके मैं वॉइस डालूँगी, कुछ बोलने के लिए भी नहीं हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि फ्रैंकफर्ट में अभी स्नो नहीं हो रहा है तो कोई पहाड़ जगह पे जाते हैं सैटरडे संडे और थोड़ा स्नोफॉल में मतलब घूम के आएंगे, बट इधर ही स्नो हो गया तो मैं अभी, ऐसे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, अभी कहीं जाना नहीं है, बट स्टिल घर पे रह रहे के भी बहुत इरीटेट लगने लग गया है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, घर चले जाएंगे वापस। ये स्नो मैन बना रहे हैं, अभी घर निकल जाएंगे, बहुत ठंडी लग रहा है यहाँ पे ना, फाइन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ऐसे मॉर्निंग वॉक अगर आप कर रहे हो ना तो मास्क नहीं भी पहनोगे ना तो भी चलेगा। ये अभी तक ये क्रिसमस ट्री अभी तक उन्होंने उसको निकाला नहीं है। ये सारे, ये पूरा बाहर ना चेयर टेबल में पूरा भरा रहता था, ये सारे रेस्टोरेंट्स है जो अभी पूरा बंद है, समर में ये सब ओपन हो जाएगा। मतलब घर के नीचे लाइक 20-25 रेस्टोरेंट तो होंगे, इसीलिए एक्चुअली ये लोकेशन हम लोग ने चूज किए थे। ये बाहर देख रहे हैं ना पूरा चेयर टेबल जो पड़ा है। लास्ट ईयर ना स्नोफॉल नहीं हुआ था और इस बार मैं आई हूँ तो सबको, फ्रेंड लोग को बोल दिया था इस बार मैं आई हूँ तो स्नोफॉल होगा। अच्छा हुआ कि स्नो हुआ, मेरा इज्जत बच गया। और स्नोफॉल में स्नोमैन नहीं बनाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। अभी बहुत टाइम हो गया, अभी फाइनली मैं घर जा रही हूँ, घर के नीचे ही हूँ अभी। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाए। और आने के टाइम में ना मैं एक छोटा सा इंडियन शॉप है वहाँ से करेला लेके आई हूँ। आज मैं ना करेला का एक डिफरेंट टाइप का सब्जी बनाने वाली हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग ना ये वाला रेसिपी पता नहीं होगा, तो वो पूरा मस्टर्ड पेस्ट में ही मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी, होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए थोड़े टाइम में मिलते हैं करेला के साथ। अब शुरू करते हैं करेला की सब्जी। उसके लिए मैंने करेला छोटे छोटे कट किया है, ऐसे शेप में देख लीजिए, देख सकते हैं आप। ऑनियन छोटे छोटे कट करना है, बहुत सारे मिर्ची टमाटर, और मैंने पानी में भिगा के रखा है मस्टर्ड, जीरा और गार्लिक। और उसके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि मस्टर्ड का फ्लेवर उससे ज़्यादा अच्छे से आएगा, और ये मस्टर्ड के फ्लेवर में ही ये वाला सब्जी अच्छा लगेगा। तो अभी हम पैन गरम कर देंगे, पहले मैं ये जो भिगा के रखा था उसको पेस्ट बना लूँगी। और हम पहले करेला को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल के रख देंगे। ये पेस्ट बना लिया मैंने, साइड में रखा है। अभी करेला को फ्राई कर देंगे, थोड़ा क्रिस्पी टाइप का फ्राई करना है। थोड़ा नमक डाल देंगे उसमें, नमक थोड़ा अंदर तक जाएगा, तो ये ऐसे क्रिस्पी टाइप फ्राई हो गया। उसको एक जगह पे निकाल देंगे। फिर वो सेम पैन में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और उसमें मैं प्याज डालूंगी पहले, फिर मैं फ्राई हो जाएगा जो प्याज ना, फिर मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि ऑयल में डायरेक्ट आप मस्टर्ड पेस्ट नहीं डाल सकते हो, नहीं तो वो कड़वा हो जाता है उसको फ्राई करने से। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर। ये जैसे सॉफ्ट हो गया ना, उसको थोड़ा सा मास्क कर देंगे ऐसे। और अभी मैं जो हरा मिर्ची रखा है उसको डाल देंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ऐसे जो मस्टर्ड पेस्ट में बनाते हैं ना हम लोग, उसको ना बेसर बोलते हैं उड़ीसा में। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसका नाम ना मैंने करेला चटचड़ी दिया है कहीं पे, तो मैंने देखा था, और ये मेरे गांव में एक मेरे चाची ने मुझे सिखाया था। देखो अभी एंड में थोड़ा सा पानी के साथ मस्टर्ड पेस्ट को डालना है,
तो फिर वो पकेगा, वो फ्राई नहीं होना चाहिए ऑयल में। ये जो मस्टर्ड और जीरा मिर्ची हो गया या उसके साथ लहसुन, ये पेस्ट को हम लोग बेसर बोलते हैं। और इसमें से बन रहा है तो ये करेला बेसर भी आप बोल सकते हैं। अभी मैं करेला डाल दूंगी उसके ऊपर, उसको थोड़ा सा उसके अंदर पकेगा। और ये जो मैंने मसाला को अभी पानी डाला ना, मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, लाइक उसको 10-15 मिनट मैंने पूरा बॉयल किया वो पानी को। और अभी एंड में ये धनिया पत्ता डाल के उसको कंप्लीट करना है। बहुत टेस्टी लगती है ये, आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए मेरा करेला का रेसिपी आपको कैसा लगा। होप आप सबको अच्छा लगेगा। आज के लिए जय जगन्नाथ।